हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे और मैं तो बढ़िया हुई हूँ। तो जैसा आपने मेरे कल के व्लॉग पे देखा था कि हम लोग रुके थे हाउस बोट पे और कल अंधेरा था जिसकी वजह से आपको पूरा व्यू नहीं दिख रहा होगा, तो मैं आज आपको सबसे पहले आसपास का व्यू दिखाती हूँ। मॉर्निंग का समय है, हम लोग जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए और अभी मैंने नहाया नहीं है क्योंकि यहाँ पर इतना ठंडा हो रहा है ना, तो पानी को देख के डर लग रहा है। हालाँकि गीज़र एवरी फैसिलिटी आर अवेलेबल है, लेकिन अभी मैं नहाऊँगी क्योंकि बिना नहाए हमें सज भी नहीं आती है। तो पहले मैंने सोचा ब्रेकफास्ट कर लूँ, उसके बाद हम नहाएंगे। तो पहले आप मेरे आसपास का व्यू देखिए। और ये देखिए गाइस, यहाँ पे ये पड़ी है ओस जो जम चुकी है ये, और ये बर्फ की तरह हो गई है। हाँ, ये है शिकारा गाइस जो मेरे सामने खड़ी है। अभी हम इस पे ही बैठ के यहाँ पानी में ही सारे मार्केट वगैरह लगती है वो सब घूमने जाएंगे, तो वो मैं अभी आपको दिखाऊंगी। ये है हमारा आसपास का व्यू और अब हम लोग जा रहे हैं इसके अंदर ब्रेकफास्ट करने के लिए। तो यहाँ पे हमारे कुछ फैमिली के मेंबर्स इतने भूख लग रहे कि पहले से ही खाने आ गए हैं। क्या पहन रखा है इसके अंदर? एक प्लेट लिया गौरव, एक प्लेट लिया भाई। ये देखिए बॉयल एग। तो गाइस यहाँ पे हम लोग ब्रेकफास्ट में खा रहे हैं पराठे, आलू के बॉयल एग, ब्रेड बटर, ब्रेड जैम। और गाइस यहाँ पे अब हम लोग नहा धो के रेडी हो चुके हैं जाने के लिए। और देखिए इतना ठंडा हो रहा है कि यहाँ हमने इतने सारे कपड़े पहने हुए हैं। देखिए बोट हाउस के अंदर का ड्राइंग रूम है ये, और यहाँ पे मैं बैठी हूँ अंगेठी के आगे। इस पर कोयले डले हुए हैं और ये गर्म हो रहा है, तो इसके हम आगे गर्मी का आनंद ले रहे हैं, इससे हम गर्मी ले रहे हैं। तो सारा सामान हमारा बाहर आ चुका है और अब हम जा रहे हैं शिकारा राइड पे अगेन। तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि हम क्या क्या देखते हैं वहाँ पे। कई हमारी शिकारा आ चुकी है, हम तो हम जाने के लिए तैयार हैं। अभी फोटो शूट चल रहा है, ये लोग फोटो शूट में बिजी है। ये हमारे वशीद मियां है, आरिफ भाई ने इनको भेजा हुआ है। अच्छी 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 भाई। और ये हम अजीज बोट हाउस से निकल चुके हैं, ये सारे इनके ही बोट हाउस है। और चलो मैं आपको बता रहा था ना, ये पूरे बोट हाउस है, यहाँ से हम वो कर चुके हैं, देखो रिपोर्ट कर चुके हैं। अब हम यहाँ से मिनी मालदीव्स की फीलिंग आ रही नहीं आ रही? देखो मिनी मालदीव्स, मालदीव्स में भी यही और है क्या? बोट हाउस ही होते हैं वहाँ पे, बोट हाउस में रहो। थोड़ा लग्जरी है बस, और कुछ नहीं। तो लग्जरी है, पानी का कलर ब्लू है, यहाँ ग्रीन है, पानी ग्रीन है, पानी ये भी अच्छा है, ऐसा पानी ग्रीन है, पर एक्चुअली यहाँ का पानी ही ग्रीन होता है। तो गाइस देखिए अब हम लोग अपनी गाड़ी के पास पहुंचने वाले हैं। पहले हम लोग अपने सामान को गाड़ी पे रखेंगे, दोनों तीनों वो खड़ी है हमारी गाड़ी पीछे। देखो भैया अब मैं आपको दिखाऊंगा, जा रहा देर में एक मिनट। अब अरे भाई हमें दिखा रहे हैं, पूरे पूरे इंसिस्ट कर रहे हैं अरे भाई कि हमें हम बड़ी वाली करें। 790 रुपीस पर सीट पर आवर, 790 एक सीट का। एक मैंने वैसे भी आपको ऑलरेडी बोला है जो आप देखो उस हिसाब से कितना है। बाकी कुछ कॉल कर दीजिए, कुछ भी हो जाएगा मेरे को आप फोन कर दीजिए, ठीक है? ओके ओके, मिलते हैं आपसे। ओके मिलते हैं। सो अब हम बड़ी वाली राइड के लिए निकल रहे हैं, डेढ़ घंटा इसमें हमारा ट्रैवलिंग, तो डेढ़ घंटा हम ट्रैवल करेंगे और एक्सपेक्टेड है कि डेढ़ घंटा हम लोग को साइट सीइंग, फोटोग्राफी इस सब में लगेगा। इसमें दो घंटे भी लगेगा, मार्केट चढ़ेगा ना, दो घंटे भी लगेगा, कोई दिक्कत, ढाई घंटे भी लगेगा, फुल चार्ज। हाँ, मार्केट का टाइम आपको देखना है, लगा लगाओ आप जितने घंटे लगाने आप। तो गाइस हम लोग जा रहे हैं लॉन्ग राइड करने, जिसमें हमें मार्केट वगैरह सब चीज विजिट करेंगे। और हमारी गाड़ी है
वहाँ पे हमें फोटोशूट करने के लिए हम लोग उतरेंगे भी, लेकिन शॉर्ट राइड में ये लोग बोल रहे थे कि आप लोग उतर नहीं सकते और इतनी कोई खास जगह नहीं है। खैर वो तो इनर पटाना एक बहान में तो फाइनली वी डिसाइडेड दैट वी विल डू लॉन्ग राइड। तो हम जा रहे हैं और बड़ा खूबसूरत सा नज़ारा है और ठंड भी बहुत है। तो गाइस देखिए यहाँ पे पानी में भी इन लोगों ने जगह खरीदी हुई है और उसको इस तरह से अपने एरिया को कवर किया हुआ है बाड़ लगा के कि इतना एरिया हमारा है। तो गाइस देखिए यहाँ पे बोट पे मार्केटिंग भी होती है, यहाँ पे हमें कश्मीरी ज्वेलरी। देखिए यहीं पे बोट से मार्केटिंग भी हो रही है, ये हमारे मार्केटिंग कर रहे हैं ज्वेलरीज की। क्या रेट है भैया? 500 रुपए कैसा रेट? ये देखिए एक फोटोग्राफी वाली मार्केटिंग हो गई, हो रही है एक मार्केटिंग और हो रही है। कितना है एक फोटो का? 150 ये ड्रेस एंड ड्यूटी के साथ सर, विद ड्रेस अटायर भी आप देंगे? अटायर के साथ फोटो लेनी है? हां सर जी, अटायर के साथ फोटो लेनी है। कितना का बनाना? नहीं बनाना, कावा कावा इधर का फेमस चीज है। स्ट्रीट कलता बढ़ता मार्केट। हां तो बजे टास कि नहीं मद्रास बोला, कितना बनाना? बनाना कावा? नहीं बनाना, कावा पियो, स्पेशल कावा इधर का फेमस बादाम। ये तो कावा सिल्को कौन कितना होता है इसमें? छोटे कप का कौन सा बड़ा मसाला इसमें? बादाम वादाम केसर? एक कप, एक कप दे, एक कप बादाम वादाम टेस्ट करते हैं पहले। टेस्ट करते हैं पहले कावा। तो गाइस देखिए ये है कावा, कश्मीर का कावा, और ये बोल रहे हैं कि ये यहाँ का फेमस चीज है। तो लो टेस्ट करो, थैंक यू, टेस्ट करो लो। ड्रेस का आप और को क्या करना है? हम दोनों करते हैं, टेस्ट करते हैं फिर मैं आपको बुला लूंगा। चलो तुम करा लो, मैं नहीं जा रही, मस्त आदमी होगा, खाने से कड़वा लगता है। तो गाइस ये अंकल से हम केसर ले चुके हैं क्योंकि कश्मीर में जो केसर है वो ओरिजिनल मिलता है। दीदी चलो, दीदी चलो, चलो दीदी दीदी आ। तो अभी हम कश्मीरी वो करने जा रहे हैं, क्या बोलते हैं इसको, कश्मीरी अटायर में फोटोग्राफी। कश्मीरा कश्मीरी अटायर में फोटोग्राफी, कश्मीरी ड्रेस फोटोग्राफी। कोई नहीं यार, भैया आपका नाम क्या है? फ्रिज मैग्नेट। फ्रिज मैग्नेट है डल झील में, आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरी चलती फिरती मार्केट है। आप इसका भैया आप ना थोड़ा इसके इसको पैरेलल लग रहा है क्योंकि हम भी फोटोज लेंगे। यहाँ पे हम लोग हुक्का ले चुके हैं, इधर दिखाओ गौरव, हुक्का ये हमारा हुक्का, ये देखिए ये हमारा हुक्का, कौन सा हुक्का है? ये दुबई फ्लेवर, दुबई फ्लेवर, दुबई स्पेशल, दुबई स्पेशल, दुबई स्पेशल। कैसे लेते हैं लोग? और ये ले रहे हैं हुक्का। हुक्का कुछ हो रहा है, जोर से थोड़ा बॉनी करवा दे सर जी, थोड़ा एडवांस। इससे कुछ होता तो नहीं है? इससे कुछ नशा लिया तो आप भी पी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। टोटल कितनी टोटल हमारा हो गया? थोड़ा जोर से इसमें धुआं इतना अच्छा आता है, अभी कुछ नहीं आ रहा है। ये कुछ एक मिनट, क्या पहले अंदर को खींचना है? 15 फोटो का 550 प्रिंट नहीं चाहिए, डिजिटल कॉपी दे दो। प्रिंट नहीं चाहिए, डिजिटल कॉपी नहीं आ रहा है, आपके 100 का शॉट हो जाएगा, 1500 जाएगा। अच्छा मैडम आपके लिए पूछा अंदर के एक सलाह महंगा भैया, थोड़ा अंदर का 150 है, अंदर ऊपर ले रहा हूं, अंदर मारना थोड़ा लाइट, थोड़ा अंदर से अच्छा मुंह डालना है, और कभी मतलब नहीं आ रहा मिलेगा, और भी इधर हो थोड़े से वो बैलेंस भी कर रहा है। जैसे सिगरेट को मारते हैं ना वैसे, सिगरेट ही तो नहीं पीते हैं, सिगरेट पीते हैं वैसे, हाइजीनिक ही काम बहुत जाएगा। तो एक मिनट, इनको हुक्का पीना नहीं आ रहा, 50-50 निकलता है क्या? सुन पांच फोटो ले, हां पांच फोटो ले, पैक हो ना यार, पांच फोटो खाली दीदी का ही है।
तभी तो घर क्यों नहीं आ रहा यार, पाइप निकाल के रखा हुआ यार। मैं हमारे भाई ने भी सोच रहा हूँ ये क्यों नहीं खींच पा रहा। हाँ यार इतनी ताकत, थोड़ा टाइट किया अंदर की आते का खिल गई। ये लीजिए सर, अंकल कब से चप्पू मार रहे आगे। मैं तो सोच में पड़ रहा था क्यों नहीं आ रहा है। ये नहीं भाई शॉर्ट गोल गोल बनाओ ना, इससे शॉर्ट से लो महक वाले फोन से। अब देखा घर वाले, मैं सोच रहा था इसमें क्यों आ रहा है। लव हेलो जी राम बनी मारम चलो यो यो तीन जगह, एक तो नेहरू गार्डन, हां दूसरा होता है फ्लोटन मार्केट, हां उसके बाद तीसरा मीना बाजार। हां तीन जगह आपको उतरना। अच्छा तो पहले हम कहां जा रहे हैं अभी? पहले जाएगा नेहरू गार्डन। अच्छा ठीक है, नर में ले लो गाड़ा बैक नंबर। अगर ज्यादा पानी होता ना, हाँ इसमें निकल जाता पानी, इसमें जाता है उधर झेलम का नाम सुना है? झेलम, हाँ झेलम नदी में जाता है। हाँ 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 झेलम नदी। गाइस यहाँ पे ना मिशन कश्मीर की शूटिंग भी हुई है यहाँ इस एरिया पे। बुम्बरो बुम्बरो श्याम रंग बुम्बरो आए हो किस बगिया से ओ किसने तुम्हें बनाया। लो यार मार लो तुम किसने ये चांद सा रोशन चेहरा जुल्फों का रंग सुनहरा इसने दिया के आंखों ये जीवी हरी आ गए फिक्र क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। वाह जियो राजा। भम्रो भम्रो हाँ चलो गाओ अंकल जी। ये होटल में चेयरफुल चार्ली में बुमब्रो एक बार बुमब्रो भी गा दो। चेयरफुल चार्ली में भी है गाइस, ये जो सामने चेयरफुल चार्ली आपको दिख रहा है यहाँ पे बुमब्रो गाने की शूटिंग हुई है। चेयरफुल मिशन कश्मीर बुमब्रो बुमब्रो दिख रहा है यहाँ पे बुमब्रो गाने की शूटिंग हुई थी। बुमब्रो बुमब्रो श्याम रंग बुमब्रो हटने के बाद यहाँ पे फायदा हुआ है। बहुत फायदा, टूरिस्ट बढ़ गया, क्यों नहीं इतना फायदा है। आप लोगों के लिए भी सही हो गया। सही सबके लिए, सही बात है। इन लोगों का कमाई रोजगार सब बढ़ गया ना, हर कोई शांति चाहता है। पहले क्या था, पहले क्या था, पहले क्या होता था? पहले तो हालत सही नहीं, आप लोग ऐसे राइड करा पाते थे लोगों को? पहले भी ठीक है, मतलब टूरिस्ट जाता है डर रहते थे, डरते होंगे पहले तो गाइस यहाँ पे हमारी शिकारा राइड कंप्लीट हो चुकी है और अब हम निकलेंगे गुलमर्ग को। अंकल ने हमें शिकारा राइड कराई थी, बहुत मजा आया हमें अंकल के साथ। आराम से निकल। तो गाइस अभी हम लोग इस लेक से राइड करके आए हैं और अब ये खड़ी है हमारी गाड़ी। तो अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं गुलमर्ग के लिए और आज का इस व्लॉग को मेरा यहीं पे एंड करने का समय आ गया है। अब हम अपनी गाड़ी में बैठने जा रहे हैं एंड वी आर गोइंग टू गुलमर्ग नाउ। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरा यहाँ का ये व्लॉग पसंद आया होगा, हाउस बोट का व्यू ये सब आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मीट यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, टिल देन बाय बाय।